और उसका सेंटर मैंने लखनऊ में डाला था, तो उसके लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ रहा है। आगे कुआं पीछे खाई, एवरीथिंग इज डन। आई नो गाइस, आप यही सोच रहे होंगे कि अपन अचानक से रवाना किधर को हो गया। तो आपको अगर याद होगा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसका डेट आ चुका है और उसका सेंटर मैंने लखनऊ में डाला था, तो उसके लिए मुझे वहां पर जाना पड़ रहा है। हैप्पी जर्नी टू मी। मेरा आजू बाजू से बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, जिसकी वजह से मुझे ये ईयरफोन्स लटकाने पड़ रहे हैं। दोस्तों समझिएगा मेरी मजबूरी, आज फ्राइडे है, जुमे की नमाज पढ़नी थी मगर हम सफर कर रहे हैं। ऊपर वाला बचाए, मुझे जुमे की नमाज मिल जाए, शब्बा खैर। हमारे निकलने का वक्त आ चुका है दोस्तों, चलते हैं। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। अरे भाई, इस बारिश से कोई हमको बचाए, हमको बीमारी नहीं चाहिए। जैसे ही लखनऊ में लैंड किया, यहाँ पे बारिश हो रही है, कोई गाड़ी भी नहीं, सवारी भी नहीं। कैसी कैसी मुशक्कतों के बाद मैं पहुंच तो गया। बड़ी प्रॉब्लम है जिंदगी में गाइच, इस बारिश ने जीना हराम कर दिया है गाइच। आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, मेरे कपड़े भीग चुके हैं और सड़कें, गाड़ियां, हर एक चीज भीग चुकी है। अभी तक मैं जितनी भी गलियों को क्रॉस करके आया हूं, सब में पानी भरा था। डर है जिस गली में मुझे जाना उसमें भी पानी भरा होगा तो मेरी पूरी बच जाएगी। इज्जत, जान और जहान बच गई है दोस्तों, क्योंकि इस गली में पानी नहीं भरा है। आज से 3 साल पहले मैं यहां पर आया था तो रोड नहीं बना था, फिलहाल भी कोई अच्छी हालत नहीं, बट लगता है रास्ता भूल चुका हूँ। मुसीबत पे मुसीबत। Here I reach finally at the location. Finally. Guys, एक वक्त था जब मैं इन गलियों को, इन घरों को, इन बिल्डिंग्स को, इन गाड़ियों को रोजाना देखता था, आज से 3 साल पहले जब मैं यहाँ पर कोचिंग कर रहा था। खैर, काफी कुछ बदल चुका है। जुमे की नमाज तो मेरी कज़ा हो ही गई थी, जिसकी वजह से मुझे नमाज जमा करनी पड़ी। हो जाता है कभी कभी, आगे से इंशाल्लाह नहीं होगा। अब कल मिलते हैं जब एंट्रेंस देने में जाऊंगा। इस बारिश को चैन कहां, ना दिन देखे ना रात, टिप टिप बरसे बूंद। अरे भाई बंद हो जा, वरना मैं इसी छत से जाऊंगा कूद। सोने का वक्त आ चुका है। सुबह हो चुकी है गाइस और मुझे आज एंट्रेंस देना है, बट अभी मुझे एक चीज याद है कि मैंने अपने हॉल टिकट का फोटोकॉपी नहीं निकलवाया। बिना हॉल टिकट के फोटोकॉपी के मुझे एंट्री मिलेगी नहीं एग्जाम देने के लिए। वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। जहाँ मेरा सेंटर गया एग्जाम देने के लिए, वो यहाँ से 22 या 23 किलोमीटर दूर है। उसके लिए मुझे 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। अगर ट्रैफिक में मैं फंस गया तो एक और नई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी नहीं, बहुत जल्दी। टाइम फॉर द एक्शन गाइस, खूब तेज है, दिन निकल चुका है, बारिश नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले। ऑटो वाला आ जाए, हमको यहाँ से लेकर जाए। गाइस, दुकान मुझे दिख गई है, साइबर जोन, जहाँ से मैं प्रिंट आउट निकलवाऊंगा। फाइनली काम मेरा हो गया।
बहुत देर बाद आखिर में मैं पहुंच ही गया। इंतजार की घड़ियां स्टार्ट हैं। ये चारों तरफ सोलर पैनल लगे हुए हैं। इन पैनलों के नीचे खड़े होकर हम चार्ज हो रहे हैं। ये हंसता वो मुस्तंडा भी चार्ज हो रहा है। अब हम चार्ज होने के बाद अच्छे से एग्जाम लिखेंगे। जरूरी सामग्री इकट्ठा हो चुकी है भाई के पास। ये पानी जानते क्या हमें याद दिला रहा है? संघर्ष। आगे कुआं पीछे खाई। ये देख सकते हैं आप पूरा नाला बह रहा है यूनिवर्सिटी के सामने। गाइस पजल पजल खेल के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। हैशटैग लाइफ ऑफ ए स्ट्रगलिंग व्लॉगर। ये पेंगुइन के अंदर सारा पानी डाल देना चाहिए था। जद्दोजहद जारी है दोस्तों। फाइनली वी आर हियर। ये अंदर सब डूब चुका है। गाइस एवरीथिंग इज डन। फाइनली एंट्रेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम तीनों काफी नाखुश हैं। कैसा हुआ तुम्हारा तुम बता दो। और ये तो अपना मुंह छिपा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों का अच्छा हुआ वो लोग छिपा रहे, एक्टिंग कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा निकाला कि रिकॉर्ड करूं तो गाड़ियां ही गायब हो गई। मुझे धमकी दी जा रही है इसलिए मैंने चेहरा ढक लिया, पर्दाफाश कर दिया।